प्रतिक्रिया के बारे में हिंदी में थोड़ा सा बताइए। देखिए अजीत पवार की क्या प्रतिक्रिया मुझे मालूम नहीं, उनकी प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं। कल 9 बजे तक ये महाशय हमारे साथ बैठे थे, पूरी बातचीत में सक्रिय थे, उन कोई सूचना भी कर रहे थे, अचानक से वो गायब हो गए। हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो नज़रों से नज़र मिलाकर नहीं बोल रहे थे। जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नज़र जिस प्रकार से झुकती है, वो झुकी हुई नज़रें से बात कर, ठीक है बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पक्ष ने राजभवन का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, फिर एक बार ये इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। सत्ता, पैसा और मस्ती, ये सब फिर एक बार उसका गैर कानूनी ढंग से इस देश में वापर किया है। मैं मानता था कि इस राज्य के राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति है जो आरएसएस से आए हैं, जो संस्कारी है और कानून का पालन करें। लेकिन अंधेरे में पाप होता है, अंधेरे में डकैती और चोरी होती है, अंधेरे में व्यभिचार होता है। महाराष्ट्र की सरकार को जिस तरह से जल्दबाजी में अंधेरे में शपथ दिलाई गई, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। अजीत पवार, मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लूँगा, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं बीजेपी, लेकिन अजीत पवार और उनके साथ जो विधायक है, ये सभी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदनाम किया है।